तो गाइस, ये डिलीशियस मैंचा सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसमें 4 से 5 स्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे। फिर 2 स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा और 1 मीडियम साइज़ कांदा चॉप करके डाल देंगे। उसे 7 से 10 मिनट सौटे कर देंगे। फिर उसमें 1 हरी मिर्ची डाल देंगे और 3 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद 7 से 8 मशरूम, 1 छोटा गाजर और 1/2 हरा कैप्सिकम फाइनली चॉप करके डाल दीजिए और 5 मिनट उसे सॉटे कर दीजिए। फिर उसमें 1/2 कैबेज फाइनली चॉप करके डाल दीजिए। अब उसे अच्छे से सॉटे कर दीजिए। अब फ्लेम को मीडियम करके 2 स्पून रेड चिली सॉस डाल दीजिए। और 2 स्पून लाइट सोया सॉस डाल दीजिए। अभी उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी फ्लेम हाई करके उसमें 1 बॉटल पानी डाल दीजिए। अभी उसे 10 मिनट पकाने के बाद हम लोग 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून विनेगर। अभी उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी इसमें मैं 7 से 8 फ्रेंच बीन्स फाइनली चॉप करके डाल रही हूँ। फ्रेंच बीन्स बाद में डालेगा वरना उसका हरा रंग ख़राब हो जाएगा, इसलिए देखिए मैं इस पॉइंट पे फ्रेंच बीन्स डाल रही हूँ। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पेपर ऊपर से छिड़क रही हूँ। फिर सूप में 6 टीस्पून कॉर्नस्टार्च की स्लरी डाल रही हूँ। स्लरी डालने के बाद उसे 5 मिनट अच्छे से पका लीजिए हाई फ्लेम पे। अब देखिए लास्ट में स्प्रिंग अनियन का हरा हिस्सा इसमें डाल दीजिए। मैंने 3 से 5 स्प्रिंग अनियंस लिए हैं। अभी उसे 5 मिनट पका दीजिए और सूप एकदम रेडी हो जाएगा। अभी सूप के ऊपर डालने वाले डिलीशियस क्रिस्पी नूडल्स बनाने के लिए मैंने 1 पैकेट हाका नूडल्स ले ली है। अभी उसे मैं खाली थोड़ा सा तोड़ रही हूँ। हमें ज़्यादा नहीं तोड़ना है, खाली थोड़ा सा उसे तोड़ना है। अब देखिए नूडल्स को 5 मिनट बॉईल कर दीजिए 1 स्पून सॉल्ट डाल के। अब नूडल्स को स्ट्रेन कर दीजिए और उसमें 2 स्पून कॉर्नस्टार्च डाल दीजिए और उसे अच्छे से फोक से मिक्स कर दीजिए।
अभी एक मीडियम साइज़ कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल को गरम कर दीजिए और नूडल्स थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। उसे खाली 3 से 4 मिनट तलना है और देखिए ये एकदम रेडी हो जाएगा। ये सूप और नूडल का कॉम्बिनेशन इतना टेस्टी और इतना डिलिशियस है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये हेल्दी रेसिपी इतनी टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा।